चौथे सोमवार पर आज बाबा महाकाल की सवारी मंदिर से 4 बजे निकली, जिसमें महाकाल मंदिर में सभा मंडप में पूजन के बाद सवारी को सशस्त्र बल की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मान्यता है कि हर वर्ष सावन भादो में बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते आम श्रद्धालु का सवारी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। महाकाल मंदिर की निकलने वाली सवारी इस बार भी परिवर्तित मार्ग से निकली। इस बार सवारी में बाबा महाकाल आतिशबाजी के साथ नगर भ्रमण पर निकले। भगवान महाकाल की सवारी हरसिद्धि मंदिर के सामने होती हुई करीब 5:30 बजे तक महाकाल मंदिर पहुंची। बाबा महाकाल अपने भक्तों को चंद्रमौलेश्वर और उमा महेश के रूप में दर्शन दे रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को इसमें आने की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन ऑनलाइन और वेबसाइट और महाकाल ऐप के जरिए श्रद्धालु बाबा की सवारी के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। सवारी महाकाल मंदिर से बड़े गणेश नरसिंह घाट से राम घाट पर पहुंची, जिसके बाद राम घाट पर पूजन अभिषेक के सवारी हरसिद्धि मंदिर के सामने से होती हुई पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। श्रावण मास चतुर्थ सोमवार के दिन पालकी में सवार होकर और हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। बाबा महाकाल की सवारी जो है वो शिप्रा मैया किनारे होती हुई पुनः बाबा महाकाल के दरबार में वापस आती है। पुरानी परंपराएं हैं, किंतु लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण मार्ग छूटा किया गया है, किंतु जो परंपरा है उसका निर्वाह हमारे द्वारा किया जा रहा है। आज बाबा मन महेश्वर चंद्र मौलेश्वर के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जय माता।